अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। एक बार फिर से मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारी वीडियोस बनती रहती हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा ही जो है वो मुफीद है। और उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं की हुई, आपने जो है वो फोटोशॉप वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, कलर वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, तब भी अगर आप लोगोस बनाना चाहें, लोगोस क्रिएट करना चाहते हैं या लोगो बनाने की सर्विस किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो आप लोगो कैसे डिज़ाइन करके दे सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल लोगो और बेहतरीन लोगो। इसमें जो है वो कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हम सिर्फ एक ही वेबसाइट का जिक्र करेंगे, उस वेबसाइट को हम देखेंगे कि उसमें कैसे आप लोगों को बना सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है वो आपके आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। देखिए, आपको फ्री चीज़ें, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पर फ्री में, और आपको वो नॉलेज हम देते हैं, वो नॉलेज हम दे रहे हैं जो आपको लोग पे करके जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर देखें, मैंने जो है वो वेबसाइट है hful.com। कौन सी वेबसाइट है जी? hful.com। वैसे ज़्यादातर hful.com जो है बिजनेस यूज के लिए होती है कि अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है और आप अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। लेकिन डेफिनेटली जब आप फ्रीलांसर बन जाते हैं या किसी को आपने सर्विस देनी है लोगों की, तो आपसे वही जो है वो बनता रहता चलेगा, जो बिजनेसमैन होगा ऑलरेडी, और वो उसे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो लोगों से डिज़ाइन करें बैठ के। तो ये आपको एक बेहतरीन वेबसाइट देखें आपके सामने आ गई है, फ्री लोगो मेकर है। जस्ट ये है कि आपने अपनी जीमेल के साथ इसमें साइन इन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये फ्री लोगोस बनाने की जो है वो इजाज़त दे देती है। क्रिएट प्रोफेशनल लोगोस इन सेकंड्स, आप सेकंड्स में बना सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग hful द कस्टम लोगो मेकर। अच्छा, गेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपना आईडी जो है वो डाल दिया है और मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आप भी अगर लॉगिन कर लेंगे तो आपको वो इजाज़त दे देगी जो है वो लोगोस बनाने की और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपके पास चूज योर बिजनेस स्पेस के आप किस किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं। दिस हेल्प अस क्रिएट बेटर डिजाइन, फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, होम एंड गार्डन, फूड एंड ड्रिंक, और भी दे रहा है स्पोर्ट एंड रेक, गिफ्ट एंड सेलिब्रिटीज कलेक्टेबल्स, सॉरी गिफ्ट एंड कलेक्टेबल्स, टेक का भी बनाना चाहते हैं, आर्ट एंड फोटोज में बनाना चाहते हैं, सर्विसेज में बनाना चाहते हैं कि आपको सर्विसेज दे रहे हैं, गेम्स में बनाना चाहते हैं, आपको गेम्स का प्रोवाइड कर रहे हैं, आप गेम का कोई चैनल चला रहे हैं, चिल्ड्रंस के हवाले से भी लोगो बनाना है, पेट्स के हवाले से बनाना है, या इनमें से कोई भी नहीं है। खैर, हम कोई एक डिज़ाइन कर लेते हैं, क्या डिज़ाइन क्या जो है वो चूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक स्टोर चला रहा हूँ, फैशन स्टोर है, फिजिकल स्टोर है या ऑनलाइन स्टोर है, तो मैंने अपने फैशन के स्टोर के लिए, बुटीक के लिए या इस तरह के जो भी मेरा गारमेंट्स का कोई शॉप है, तो उसके लिए मैं अगर कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहूँ, कोई कंपनी हो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ। देखें, फैशन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो है, इसको जो है वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, इसके लिए माजरत, और थोड़ी सी जो है वो ट्रैफिक की आवाज़ें अक्सर आती रहती हैं, तो उसके लिए भी माजरत चाहेंगे। हम लोग कंट्रोल इतना नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको वॉइस क्लियरली जो है वो मिले।
यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपको बता रहे हैं, चूज योर विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, बोल्ड हो, काम हो, लेवल हो, क्लासिक हो, कंजर्वेटिव हो, क्रिएटिव हो, एलिगेंट हो। इस बार हम रखते हैं जी एनर्जेटिक, एलिगेंट रख लेते हैं कि जो हमारा फैशन का जो स्टोर है उसको हम एलिगेंट डिजाइन, विजुअल डिजाइन हम लेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपने नाम देना है, एड योर बिजनेस नेम, आपका कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी फैशन स्टोर हो सकता है। यहाँ पे हम रख लेते हैं जी नाम जो है, क्योंकि हमारे नाम अक्सर अपने ही होते हैं, तो आप कोई भी नाम डिजाइन करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ रख देता हूँ जी दुआ फैशन कर देते हैं। चलिए दुआ फैशन मेरे एक स्टोर का नाम है, और यहाँ पर स्लोगन आप दे सकते हैं। स्लोगन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप भी कोई भी इसमें चेंज कर सकते हैं। वैरायटी वैरायटी आइटम्स कर सकते हैं, या इट्स वैरायटी कर सकते हैं, कोई भी जो है वो आप ऐसा दे सकते हैं। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो सॉरी टू से के माफ कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेल अस वेयर द लोगो विल बी यूज्ड, लोगो आपने कहाँ पर यूज करना है। देखिए बेहतरीन, कोई आपको ये नहीं है कि वो लोगो आपने कैसे और कहाँ पर डिजाइन करना है। फोटोशॉप में जब आप जाते हैं लोगो डिजाइन करने के लिए, या कलरड्रा में जाते हैं, या किसी और सॉफ्टवेयर में जाते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो ये आइडियाज कलेक्ट करने पड़ते हैं कि कैसे जो है वो कौन सी चीज के कहाँ पर। यहाँ आपको वो खुद चीजें बता रहे हैं, आया आपने सोशल मीडिया पे रखना है, आया आपका ऑनलाइन स्टोर है या वेबसाइट है, या प्रिंट एंड स्वैग है, बिजनेस कार्ड है आपका, उस पर लोगो लगाना चाहते हैं, लार्ज सरफेस है, कोई बड़ी जगह है, फिजिकल स्टोर है आपका, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम एक फिजिकल स्टोर पर हम क्लिक कर देते हैं कि जो हमारा फिजिकल स्टोर है उसके लिए ये लोगो डिजाइन करना चाहते हैं। तो देखिए ये लोगो आपके पास, we made these logos for you, choose one to start editing। अब उन्होंने क्या किया कि मैंने आपने आपका लोगो बना दिया है, अब आप इसे मजीद एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर कोई कलर पसंद ना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं, या आपका फॉन्ट आपने चेंज करना है, या उसका कोई विजुअल चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट लोगोज आपको बहुत सारे लोगोज बना के दे देगा, सिर्फ एक दो नहीं बनाएगा बल्कि बहुत सारे लोगोज बना देगा, डिफरेंट स्टाइल्स के, डिफरेंट डिजाइन के, जो आपको पसंद आए, जो आप जिसे देखें, देखिए ये एक लोगो है, ये मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है। वैसे तो आप जितना नीचे जाते जाएंगे आपको ये लोगो देता जाएगा, बहुत सारे लोगोज ये आपको बना देगा कि आप किस तरह का लोगो रखना चाहते हैं, किस तरह का स्टाइल रखना चाहते हैं। देखिए दुआ फैशन हमने सिर्फ नाम दिया था और उसने सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन कर ली हैं। जब नीचे जाते जाएंगे तो आपके पास और भी लोगोस आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ें बताना चाहूँगा आगे के लिए, तो उससे हम कोई ना कोई एक जो है वो चूज़ कर लेते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा था। बड़ा ही बेहतरीन लोगो है, एडिट लोगो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स होती हैं, होता ये है कि आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत तो दे देते हैं, लेकिन जब आप डाउनलोड करने जाते हैं तो आपसे वो फीस मांग लेती हैं, या पैसे मांग लेती हैं, या वो आपको कोई वाटर मार्क डाल के दे देते हैं कि जी आपके लोगों के ऊपर वाटर मार्क आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। hsful.com अ बेस्ट वेबसाइट फॉर लोगो डिजाइनिंग। देखिए यहाँ पर लोगो इसने बना दिया है, अब यहाँ पर ये एडिटिंग का सामान, एडिटिंग की जो है टूल्स आ रहे हैं। अब अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंट फॉन्ट्स आपको दे रहा है। ये आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आपको प्रीव्यू में वो चेंज कर देगा। देखें कोई सा भी जो है वो फॉन्ट रखना चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे और वहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हम कोई एक सिंपल सा ले लेते हैं, सिर्फ मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे लोगो डिजाइन होता है। उसके बाद कलर आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ पर देखें,
डिफरेंट कलर आपको दे रहा है, जो कलर आपकी पसंद का है आप उसको रख सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे और वो लोगो जो है वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये बेहतरीन, देखें बड़ा ही बेहतरीन लोगो जो है वो डिजाइन किया हुआ है। कलर के हिसाब से पर्पल ले लेते हैं, पर्पल में भी आपको दे रहा है। और आइकॉन्स जो लगे हुए उनका कलर अगर आपने चेंज करना है, या आइकॉन्स आपने मजीद इसमें कोई ऐड करने हैं तो यहाँ पर ये आपको आइकॉन्स भी दे रहा है। लेकिन खैर इसने खुद ही डिजाइन किया तो अच्छा है। लेआउट आपने क्या रखना है, लेआउट पर डिफरेंट लेआउट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर वाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वाइट रख देंगे, कलर में हम रख देते हैं। और यहाँ से कलर हम कोई और अच्छा से चूज कर लेते हैं जो कि हमारे हमें पसंद हो और लोगों के लिए अच्छा भी लगे। लोड मोड, जब लोड मोड करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, यानी कि एक ऑप्शन नहीं है कि बस ये आपने बना लिया और यही है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। ये कलर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, वेरी गुड, जबरदस्त। तो इस तरीके से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद जीमेल डालने का ये फायदा होता है कि ये आपको लोगो डाउनलोड करके आपकी जीमेल में भेज देता है, ठीक है। आपको ये वैसे नहीं होता, इंक्लूडेड इन आर लोगोस पैकेजेस। अब ये जो लोगो है ये जब आप वहां से जब आपकी ईमेल आपके पास आ जाएगी, ईमेल को आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको ये बताएगा कि आपने इस लोगो को कहां कहां यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको बता रहा है कि हाई रेजोल्यूशन लोगो विद अनलिमिटेड रिविजन्स, फेविकॉन है, फेसबुक प्रोफाइल इमेज है, फेसबुक कवर फोटो है, टू वर्जन ये डिफरेंट आपको दे रहा है। अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और अपने जीमेल में जाके इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर लूँगा डाउनलोड, जनरेटिंग लोगो, लोगो जनरेट हो गया। ऑल डन, योर लोगो पैकेज एंड डिजाइन फाइल्स हैव बीन सेंड टू एबरथान मनी, जो मेरा ईमेल है जीमेल है सॉरी उसमें उसने भेज दिए हैं। ये कुछ और भी लोगो डिजाइन किए हुए थे तो उनके बारे में भी वो दिखा रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें डिजाइन की हुई हैं। खैर हम यहाँ से एक और टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं जी जीमेल की तरफ। दिखाने का मकसद ये है कि देखें बिल्कुल ही आसान है, आपने एक अच्छा सा प्रोफेशनल लोगो आपने आराम से जो है वो डिजाइन कर लिया। गूगल पे चलते हैं और जीमेल लॉगिन, ताकि मैं आपको ये दिखा दूं कि जीमेल पे डायरेक्टली जो है आपका आ जाता है। असल में अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ था जीमेल का, लॉगिन कर लेना था ताकि आपको दिखा देता। खैर देखिए यहाँ पे आपके पास मेरे पास देखिए ये मेल इन्होंने भिजवा दी है, टू व्यू दिस ईमेल एज अ वेब पेज क्लिक हियर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, योर फाइल आर रेडी डाउनलोड हैज फुल एक्सपोर्ट आर zip, zip में आपको जो है वो दे देगा। जब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, देखिए यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया तो कहाँ पर ये आएगा मेरे पास, डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएगा। अपन दिस फाइल आर ऑन दी कंप्यूटर क्लिक हियर टू एडिट योर लोगो, आप दोबारा भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा वही फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और आप अपने लोगो को दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी बेहतरीन जो है वो वेबसाइट है कि आप हर तरह से, और फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। ये देखिए zip में इसने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। डाउनलोड्स के फोल्डर में हम चले जाते हैं, बल्कि ये देखिए इसने यहाँ पर विनरार की शक्ल में जो है वो ओपन कर लिया है zip फाइल में। और देखिए यहाँ पर आपको ये एक चीज़ क्या दिखा रहा है, मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि ये तमाम चीज़ों के बारे में इसने लोगो बनता, आपने कौन सा लोगो कहाँ पर रखना है, आए आपको फेसबुक के कवर फोटो के लिए चाहिए, फेसबुक के प्रोफाइल इमेज के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल इमेज के लिए चाहिए, लिंकडिन के बैनर के लिए चाहिए, लिंकडिन बैनर के लिए चाहिए, लिंकडिन की प्रोफाइल इमेज के लिए चाहिए, सिंपल लोगो चाहिए तो आप सिंपल लोगो पीएनजी इसको जो है वो आप खोल के देख सकते हैं। देखें मैंने इसको जैसे ओपन किया तो ये इमेज फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक की फॉर्मेट में,
जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए मजीद ट्रांसपेरेंट भी आप उसको ले सकते हैं कि आप उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, सारी चीज़ें आपको ये दे रहा है, पिंटरेस्ट बोर्ड फोटो, पिंटरेस्ट प्रोफाइल इमेज, ट्विटर के लिए अगर आपको चाहिए या यूट्यूब की प्रोफाइल के लिए चाहिए तो आप उन तमाम उन लोगों को तमाम जो है वो चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये लोगो आपके पास सिंपल जो है वो डिज़ाइन होकर आ गया है। अगर मैं इसे जो है वो ट्रांसपेरेंट लाना चाहता हूँ तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट भी आ गया, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वेबसाइट थी, बेहतरीन वेबसाइट थी। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।